मैं आज आ गया हूँ एक अनसीन हिडन जैम दिल्ली का जो है, और बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया जगह है। इस जैम का नाम है चंपा गली। आप हौसलास गए होंगे, आप गुड़गांव गए होंगे, आप बहुत सारी जगह गए होंगे जहाँ पे डिफरेंट कैफेज और डिफरेंट डिफरेंट बार, डांस क्लब्स, और हर जगह जाकर आपने एंजॉयमेंट किया होगा। बट यहाँ चंपा गली, ये जगह बहुत ही सुंदर, बहुत ही अलग है। अगर आप एक बहुत अच्छी इवनिंग स्पेंड करना चाहते हैं, क्योंकि आप यहाँ सकते हैं कि यहाँ से लाइटिंग माइंड ब्लोइंग है। मैं आपको बता नहीं सकता कि यहाँ की लाइटिंग और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो कितना ज़्यादा हैपनिंग है। अभी देखते हैं, आप देखो उस एनवायरनमेंट को कितना हैपनिंग है, और हैपनिंग देखने के बाद मेरे को प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना कि जिस चीज़ को मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर आपने ये नहीं देखी है और फर्स्ट टाइम आप यहाँ मेरे साथ ये देख रहे हैं, आप डेफिनेटली आपका यहाँ आना बनता है। जगह का नाम है चंपा गली, और मैं अब आपको एंट्रेंस से अंदर तक सारा का सारा एक बार दिखाने जा रहा हूँ। ओके, सो ये एंट्री है चंपा गली की। एंट्री करते ही ये देखिए, यहीं से आपको माहौल दिखना स्टार्ट हो जाएगा। गानों की आवाज़, लाइव म्यूजिक की आवाज़, डिफरेंट डिफरेंट कैफेज हमारे पास हैं। सी, दिस इज़ द वन कैफे, ये मेन गेट है इस गली का। इस मेन गेट पे एंट्री करने से पहले आप देखो सामने लाइटिंग देखो, डिज़ाइन देखो, आर्ट देखो। एंड ऑफ द डे द फर्स्ट हमारे पास कैफे है। इसके साथ साथ इससे पहले लेफ्ट में है रेड ब्रिक कैफे, और अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ तो यहाँ बहुत ही सुंदर लाइव म्यूजिक चल रहा है। मैं आपको लेकर चलता हूँ, शायद मेरी आवाज़ अंदर आपको ना आए, बट लेट मी टेक यू इनसाइड। मेरे पीछे जो आवाज़ थी, आवाज़ ऑफ रेड ब्रिक कैफे, और अभी हम लोग इसके अंदर जा रहे हैं। ये है गली की एंट्रेंस, इफ यू कैन सी दिस, दिस इज रियली वेरी अमेजिंग, बहुत सुंदर है ये गली है। ये दिस इज द कैफे, वहाँ से हम लोगों ने एंट्री किया था सामने से, और उसके बाद घुसते ही कैफे, इस तरफ हर जगह आपको सिर्फ कैफे कैफे दिखाई देंगे और कुछ नहीं दिखाई देंगे। सही, ये एंट्रेंस कैफे है, दिस इज द ग्रीन व्यू कैफे, यू कैन सी द नेम, दिस इज द ग्रीन व्यू कैफे, और अमेजिंग व्यू। सी, ये है यहाँ के कैफे। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि आपने बहुत जगह गए होंगे, लेकिन यहाँ इस जगह पर जो हैपनिंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है लाइटनिंग और ग्रीनरी लगाकर और ये सब लगाकर, दैट इज रियली वेरी वेरी ऑसम। एक बार कोशिश करते हैं अंदर चल के दिखाने की, हम कोशिश करते हैं। लेट्स सी, दिस इज द ग्रीन व्यू कैफे एंड ये इसका एंट्रेंस है। दिस इज द ग्रीन व्यू कैफे एंड दिस इज द लाइव सिंगर परफॉर्मिंग हियर। सी, यहाँ से हम लोगों ने एंट्री किया, सो दिस इज़ द एंट्री पार्ट। और एंट्री करने के बाद आपको मैंने सबसे पहले सामने रेड ब्रिक्स कैफे दिखाया जहाँ सॉन्ग चल रहा था। उसके बाद हम लोग एंट्री करे, एंट्री करने के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा आगे आए तो हमने दो कैफेज और देखे, और फिर हम लोगों ने एंट्री किया था द ग्रीन व्यू कैफे, जहाँ अभी अभी बहुत ही ऑसम और बहुत मस्त परफॉर्मेंस आपने देखा। वहाँ से थोड़ा सा आगे ग्रीन व्यू कैफे से निकलते हैं, अगर आप थोड़ा सा आगे, बहुत छोटी सी गली है, बहुत ज़्यादा बड़ी गली नहीं है, आप बस सामने से एंट्री करेंगे, कुछ कैफेज हैं, करीबन 8 से 10 कैफेज हैं, लेकिन जो एनवायरनमेंट है, लाइटनिंग यहाँ पर है, और रियली दिस इज़ रियली वेरी वेरी नाइस। आप आएंगे तो आपका सच में माहौल, मन बहुत अच्छा हो जाएगा। 4 डायरेक्शंस है ग्रीन व्यू कैफे के बाद, और उसके ठीक साथ में एक और छोटी सी गली अंदर जा रही है, मतलब गली के अंदर गली है, छोटी छोटी कैफेज बहुत अच्छे लेवल पर बने हुए हैं, बहुत बढ़िया लेवल पर बने हुए हैं, और यू कैन एन्जॉय बहुत सारे मील्स, और आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और बहुत अच्छे से कैफेज बने हुए, और हर चीज़ आपको मिल जाएगी। डेलीकेसी बहुत अच्छी है यहाँ का हर जगह की, और ये कैफे आप घुसेंगे जैसे 4 डायरेक्शंस कैफे, जो कि आई थिंक चारों तरफ से एंट्री है, इसलिए 4 डायरेक्शन से राइट नहीं दो तरफ से अच्छा 2 तरफ से एंट्री, सो ये कॉर्नर का 4 डायरेक्शन है। और अगर भाग के आप ब्यूटी देखिए, सो दिस इज़ रियली वेरी नाइस, लेट्स ट्रेंड इन 4 डायरेक्शन। सो ये 4 डायरेक्शन में हम लोग एंट्री कर रहे हैं। Mm-hmm.
सो दिस इज कैफे दोस्ती, बिल्कुल फोर डायरेक्शंस के सामने कैफे दोस्ती आपको मिल जाएगा। ये एक और कैफे है, आप एंट्रेंस देखिए, क्यूट एंट्रेंस। यहाँ पे एक सिटिंग एरिया है जहाँ आप बैठ सकते हैं, हेलो ब्यूटीफुल, सामने आपको मेंशन करा हुआ मिल जाएगा। ये सिटिंग एरिया है बाहर का, क्योंकि ओपन एरिया है इधर बाहर, क्योंकि गली का एरिया है, तो आप इस सिटिंग में यहाँ पर सिटिंग कर सकते हैं, बैठिए, ऑर्डर दीजिए, खाइए, बातें करिए, म्यूजिक एंजॉय करिए। अगर आप बाहर नहीं बैठना चाहते, क्योंकि अगर आप नाइट में आते हैं तो इन दैट केस आपको बहुत अच्छा अमाउंट मिलेगा, और जैसे अभी ठंड का टाइम है तो मौसम अच्छा रहेगा, आप बाहर बैठ के कॉफ़ी पीजिए, पिज़्ज़ा खाइए, कुछ भी कर सकते हैं। अगर इनके साथ नहीं जाते और अंदर बैठना चाहते हैं, दिन में आप आते हैं, गर्मी का थोड़ा स्पेस है, तो ये देखिए दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना, तेरे जैसा यार कहाँ। तो सर गेट खोल के एक और एरिया बनाया हुआ है, अगर इसको हम देखें, वाव रियली वेरी नाइस। सी ये देखिए, ओपन में एक और एरिया, किया था तो हमने एंट्री वहाँ से किया था। वहाँ से करने के बाद ये फोर डायरेक्शन से हम लोग राइट हैंड पे चले गए थे। अगर आप राइट हैंड पे न जाकर लेफ्ट हैंड पर आ जाएं, ये बाइक का पार्किंग एरिया है। अगर आपको बाइक पार्क करनी है तो आप यहाँ पार्क कर सकते हैं, गाड़ी वगैरह अगर आप पार्क करनी है तो यहाँ पार्क कर सकते हैं, और गेट के बाहर भी पार्किंग की जगह आपको अवेलेबल हो जाएगी। ओके सो लेफ्ट हो जाते हैं अगर आप, तो लेफ्ट होते ही आपको मिल जाएगा बहुत ही सुंदर सा बारी कैफे। सी ये है बारी कैफे, और लाइटनिंग अगेन, ये तो जान है इस गली की, जान ही जो लाइटनिंग है वो इस गली की जान है। और सी मतलब आप एंटर करेंगे ऐसा लग रहा है किसी, कभी कभी ऐसा लगेगा किसी शादी में आए हैं, किसी बैंक्वेट हॉल में आए, और बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है, बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है। और छोटे छोटे टेबल्स हैं, चेयर, और साथ में अगर आप थोड़ा सा मज़ा लेना चाहते हैं इनका, लीजिए, स्मॉल राइड्स है बट आप ले सकते हैं, क्योंकि छोटी सी कैट है ये भी यहाँ एंजॉय कर रही है। सी और ये बारी कैफे, सो बहुत सारे कैफेज हैं, ये एक कैफे थोड़ा सा अलग बना हुआ है। फिर गली में आप जाते चले जाओ और आपको कैफे कैफे मिलते चले जाएंगे। तो एरिया छोटा है बट बना बहुत ही अच्छा हुआ है। सी आप थोड़ा सा और हम आगे आए तो यहाँ पर आपको ये एम्पायर कॉफी हाउस है, ये है, और यहाँ देखिए एंट्रेंस देखिए, छोटी सी एंट्रेंस है, लाइटनिंग इतनी बढ़िया कर रखी है कि आपका मन करेगा कि आप यहाँ बैठें और बैठ कर कुछ खाएं, कुछ एंजॉय करें। ये सिटिंग एरिया है यहाँ, और सामने अगेन हर ये चीज़ आपको हर कैफे में मिलेगी, कि एक छोटा सा एरिया सिटिंग एरिया आपको अलग तरीके से भी बनाया हुआ है, जहाँ पर आराम से बैठिए, मस्ती में झूलिए, सामने सोफ़ा है, अपने पार्टनर से, अपने फ्रेंड से बात करिए और एंजॉय करिए। बिग बॉक्स कैफे, और ये भी बहुत सुंदर और बहुत अच्छा बना हुआ है। जहाँ से गली से हमने एंट्री किया, एंट्री करने के बिल्कुल कोने पर ही है बिग बॉक्स कैफे, और ये कैफे बहुत फेमस है। और बट अभी जनरली जब आप इस कैफे को गूगल पे सर्च करेंगे या वीडियोस देखेंगे तो आपको कुछ सोशल कैफे के नाम से पता लगेगा, नाम सुना पता लगेगा आपको, लेकिन एक्चुअली में ये सोशल कैफे से अब इसका नाम चेंज हो चुका है, एंड दिस इज चेंज टू बिग बॉक्स कैफे।
कॉफी हाउस जो मैं आपको पहले भी दिखा सकूँ, उसके ठीक साथ में ही यहाँ पर गाड़ियों के पार्किंग की जगह, बाहर जो मैंने आपको दिखाया था वहाँ बाइक पार्किंग की और यहाँ पर गाड़ियों की पार्किंग की प्रॉपर स्पेस बनाया हुआ है। आप आकर गाड़ी आराम से लगा सकते हैं, गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं और पार्क करने के बाद जाइए चंपा गली में और एंजॉय करिए। सो ये एक और सारे कैफेज के बीच में एक बहुत बढ़िया जगह मुझे दिखी और इसका नाम है बी विच। और यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे गिफ्टिंग आइटम्स और अगर आप देखेंगे तो फैंसी आइटम्स लगाए हुए हैं। और ये इसका एंट्रेंस है, बिल्कुल एम्पायर कैफे के साथ में है और यहाँ पर बहुत सारी आइटम्स हैं इनके पास, तो शायद गिफ्टिंग से रिलेटेड आइटम्स से पूछते हैं। मैम क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं आपके? ओके, तो ये सारी सर्विसेज आप यहीं पर देते हैं? ये पेडिक्योर वगैरह सब? ओके, देखिए बहुत अच्छे से लगाया हुआ है इन्होंने सारे। द नेम इज बी विच, बी विच। सो आप यहाँ पर अगर आते हैं तो आप यहाँ पर आकर बहुत इजीली कैफे में एंजॉय करिए। किसी का वेट कर रहे हैं, किसी को टाइम दिया हुआ है और आपको कुछ सर्विसेज लेनी है, अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं और आपको और अच्छा दिखना है, तो आप यहाँ पर आइए, इनसे सर्विसेज ले सकते हैं बी विच से। आपको कोई कार्ड होगा मैम, कॉन्टैक्ट नंबर या कुछ? ओके, प्रॉब्लम, ठीक है, मैं आपका इनसे नंबर लेकर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, सो ये ऑलमोस्ट अब बंद होने के कगार पर है पूरे का पूरा चंपा गली। अराउंड 9 बजे के आसपास मैं यहाँ पर आया था और इस वक्त 10:30 हो चुके हैं। सो फाइनली रैप डाउन हो रहा है, क्लोज हो रही हैं सारी चीज़ें, बंद हो चुके हैं। बहुत एंजॉय किया, बहुत ही बढ़िया जगह है, बहुत अमेजिंग जगह है। और आई कैन टेल यू वन थिंग कि अगर आप यहाँ पर आते हो और ये ब्लॉग देखकर अगर आप आ रहे हो तो डेफिनेटली आप अपने आप ही कमेंट कर मुझे बोलने वाले हो थैंक यू। ये था आज का हमारा ब्लॉग चंपा गली का। अगर मैं इसके बारे में आपको थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दूं कि ये कहाँ पर है और किस जगह पर है, तो मैं आपको बता दूं कि ये साकेत मेट्रो स्टेशन से अगर आप उतरेंगे, तो साकेत मेट्रो स्टेशन मेरोली के पास, साकेत मेट्रो स्टेशन के पास अगर आप अगर उतरते हैं और वहाँ उतरने के बाद अगर आप किसी भी ऑटो वाले से बोलेंगे कि मुझे हमें चंपा गली जाना, तो 30 या 40 रुपये शायद वो ऑटो वाला आपसे लेगा और आपको चंपा गली के गेट पर उतार कर जाएगा और वहाँ से एंट्री होने के बाद फिर सब कुछ आपके हाथ में। तो ये था हमारा चंपा गली का ब्लॉग। प्लीज़ अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और औरों के साथ इनको शेयर करें। और जब भी आप चंपा गली जाएं इस ब्लॉग को देखने के बाद, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, टाटा।